और आई थिंक आप सबकी जो धड़कन है वो भी पूरी धड़क रही थी, पड़ रही थी, है ना। तो इधर से जो मेरे भाई लोग इतनी जोरदार तालियां बजा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, और बजाय ना बजाय आपके लिए मैं तालियां बजा दूं स्पेशली। अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से कला को कोई प्रस्तुत करता है और आप उस तरह उसको एंजॉय करते हैं, पूरी तरह से अपना योगदान देते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे कुछ भाई लोग इधर भी बैठे थे, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि हमारे धनंजय भाई किसको भगा रहे हैं। वो भगा तो वो डीके बॉस जी को रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मुझे भगा रहे हैं, भाग शिवा भाग शिवा भाग शिवा भाग। तो बंद होना जैसे मेरी बहुत ही बंद हो गई है। दोस्तों आपके साथ एक बात शेयर करनी चाहूंगा जी, इसके पश्चात हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। बच्चों को जिनको मैं बोल चुका हूँ कि वो रेडी रहें, तब तक मैं थोड़ी सी आपके साथ अपनी बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि बंद होने की बात कर रहा था, आवाज बंद हो रही थी, बोलती बंद हो गई जब धनंजय जी ने इतना अच्छा प्ले किया और पूरे ग्रुप के साथ गिफ्टी जी, साहिल जी, विष्णु जी, मृदुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंद होना खासतौर से मेरी आवाज का बंद होना कोई नई बात नहीं है। मैं दोस्तों शिवाजी आर्यन, शायद आप लोग मुझे देखते हो दूरदर्शन के प्रोग्राम 5 बजे लाइव दे विच एंकर करते हुए, जिन्हें मेरा दिल लुटिया और लाइनों पर जाकर देख चुके हैं। लेकिन इन बातों से अलग मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि होस्टिंग या एंकरिंग में बहुत कम करता हूँ, कुछ खास उपलक्ष्य जो हमारे मनमाने, क्योंकि शिव कुमार जी नाम भी हमारे सेम सेम है, वो शिव जी है, मैं शिवाजी आर्यन हूँ, तो इनका वो इतना रिगार्ड करता हूँ, जहां भी कहें मैं पहुंच जाता हूँ। क्यों पहुंचता हूँ, फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे बोला, कहते कि शिवा तुमसे एंकरिंग करवानी है। मैंने कहा सर मुझसे मत करवाइए, कि मेरी मेन प्रॉब्लम है मेरा गला बैठ जाता है, पता नहीं क्यों। खासतौर से आप हम जज करते हैं म्यूजिक एंड वोकल को, आपको पता है कि ध्यान रखना पड़ता है गले का, तो मेरा गला बैठ जाता है। मैं कहा सर मेरा गला बंद हो जाता है जी, पंजाबी बात करते हैं। कहते नहीं तुम एंकरिंग करेगा। मैं कहा सर इनफैक्ट मैं बहुत मनहूस बनता हूँ, मैं कहा मैं जहां भी जाता हूँ ना काम बंद हो जाते हैं। आप लोग नहीं मानते, मानते हैं देख लो। वो एक मेरी बहन ने सही लाया, बाकी सब लोग हाँ कर रहे थे, सब भी मेरे को मनुष्य मान रहे हैं, कलकत्ता वाले भाजी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं बहुत ही मनहूस हूँ, मेरे को मत लेके जाइए, काम बंद हो जाते हैं। सॉरी फिर से पंजाबी मारो, पंजाबी से आना। मैंने कहा सर मैं बहुत मनहूस हूँ, मैंने जितने लेके जाते हो काम बंद हो जाते हैं, मैंने ना लेके जाओ ताकि मैं प्रोग्राम चलेंगे तो एंकरिंग कराओगे, मेरा गला बंद हो जाना है, उधरों किसी का साथ बंद हो जाना है, बाद लोगों का जो उन्होंने गुस्सा जो चढ़ जाना है, बाकी सारा काम बंद हो जाना, फिर मैनू किसी ने कमरे से बंद करके मेरा साह ही बंद करना है। कहते नहीं कोई गल नहीं, तो एंकरिंग करेगा तो लेके जाएगा, ऐसा मत सोच। तू क्यों सोचता है कि तू मनहूस है, शिव जी ने मेरे को स्पेशली बार बार बूस्ट अप किया। मैं कहा नहीं सर मैं मनहूस हूँ, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। कहते कैसे, मैं कहा जब मैं छोटा सा था मेरे घर वालों ने कहा कि बहुत शरारत करता है, इसको स्कूल में पढ़ने डाल दो। मेरे को जिस स्कूल में डाला था सरकारी स्कूल था, अभी मैं फर्स्ट क्लास में कुछ देर पढ़ रहा था, हमारे स्कूल का हेडमास्टर बन गया, स्कूल बंद हो गया। शिवजी थोड़ा सा हैरान हो गए, कहते नहीं सरप्राइज है, एक्चुअली कोइंसिडेंस हो जाता है। कहते कोई गल नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम सीखा, उस तो बाद नहीं कोई ऐसी। मैं कहता नहीं हुआ सर जी। कहते क्यों है? मैं कहा जी मैं इतना शरारती था, आने वाली गली की लड़कियों को छेड़ता था, घर वालों ने कहा कि ऐसे इसका काम बनेगा जी। ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। सर्वप्रथम हमारा जो गुरु प्रताप सिंह जी जो कि बिजनेस टाइगर हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं एक बार चाहता हूँ जोरदार हाथों के साथ तालियों के उनके स्वागत करें सर। और आप भी अपना हाथ एक बार अपना जो और इनके साथ बता रहे हैं सरदार अरविंदर सिंह जी जो कि हमारे खास गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, क्योंकि राजेश जी पहले पहुंचे और सभी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आए, क्योंकि मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि अगर किसी को आपने कीमती गिफ्ट कोई भी तोहफा देना है तो सबसे कीमती तोहफा है अपना वक्त, अपना समय, क्योंकि आपकी जिंदगी के वो पल आप हमें देते हैं, किसी को भी जो तोहफे में देते हैं, क्योंकि जब भी आपने दे दिए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो आप सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बॉलीवुड म्यूजिक एकेडमी की ओर से, और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक तौर से अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। और अपनी बात को आगे जारी रखते हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले, बच्चों से अनुरोध है कि जिनकी परफॉर्मेंस है वो प्लीज मंच पर आ जाए, तब तक मैं बात कर रहा हूँ जी। मैं क्या जी, मैं सारे मैं तो मदरस है जी, मैं बहुत शरारता कर रहा जी, मैंने की किया जी किसी ने प्रोज ने, मैं कह जी पानिया सी लाला जी सके सानू दुकान पर लगवा दिता। कहते फिर तू दुकान का काम घूम सीख लिया होना। मैं क्या सर जी सुबह सीखे लाला मर गया दुकान बंद हो गई। कहता नहीं बेटा इस तरह नहीं होता। मैं सर कमाल की गल कर दो, मैं कॉलेज से गया, मैं उत्थे भी अपनी हरकत नहीं छड़िया। मैं क्या कुड़ी सी बड़ी सोहनी सी ओदे नाल सेटिंग कर ली। कहते केड़ी? और मैं क्या रोज ही ओदे नाल सेटिंग हो गई, और हर हफ्ते नवे मुंडे नूं फसांदी सी कि मेरे नाल सेट हो गई, ओदे नाल मुंडे फसने बंद हो गए। कहते क्यों? मैं उहने मेरे नाल ब्याह करा लिया।
बदतमीज कहते तेन अल्टीमेट मैन देखा उन्हें ता करके तेरे ब्याह कराया इस तरह की गलत नहीं सोची दी मैं तो ठीक है सर लास्ट एग्जाम्पल देना तक मैं छोटा आपके साथ।